दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसी असल घटनाएं लेकर आया हूँ जिनमें लोगों ने असली जलपरी को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है, जिनके बारे में जानने के बाद आपको भी जलपरी के होने पर विश्वास हो जाएगा। द स्कॉटिश मरमेड। साल 1800 के आसपास एक कहानी के अनुसार कुछ लोगों ने गलती से एक जलपरी को मार डाला था। ये तब शुरू होता है जब समुद्री घास को काटते समय लोगों को एक औरत के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर सब पानी की तरफ भागने लगे, जिनमें से किसी एक ने उस जलपरी पर एक पत्थर फेंका, जिसके बाद वो जलपरी वहाँ से भाग गई। फिर कुछ दिन बाद किनारे पर लोगों को उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली, जिसे वहाँ के शेरिफ ने जमीन के नीचे दफना दिया, लेकिन आज के समय में उसकी कब्र को भी नहीं खोज पाया। कुछ लोग मानते हैं कि पानी का स्तर बढ़ने की वजह से उसकी कब्र पानी में डूब गई। साउथ अफ्रीकन केमन। साल 2008 में कुछ लोगों का ग्रुप नदी के किनारे एंजॉय कर रहा था, तभी उन्हें पानी से आवाज आती है। जब उन्होंने उसकी छानबीन की तो उन्हें पानी में एक लड़की दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल रंग की थी, जो तुरंत पानी में चली गई। वैसे साउथ अफ्रीका के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जलपरियां असल में होती है, जो लोगों को हमेशा के लिए पानी के अंदर ले जाती है। इजरायली मरमेड। इसराइल में मौजूद एक बीच जिसका नाम क्रियत याम है, वहाँ पर कई लोगों ने मरमेड को पानी के बाहर उछलते हुए कई बार देखने का दावा किया है, जिसके बाद ये बात पूरे शहर में फैल गई। यहाँ तक कि उस टाउन के अधिकारियों ने मरमेड को पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा, जो कि 7.5 करोड़ रुपए होते हैं। हालांकि इस बात के 10 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक किसी ने भी रियल जलपरी को नहीं पकड़ा। कैनेडियन मरमेड। ये घटना कनाडा के माइनी आइलैंड की है। जब कुछ लोग फेरी की मदद से पानी से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें एक पत्थर के ऊपर एक ऐसी लड़की बैठी हुई दिखी, जिसके नीचे का हिस्सा मछली जैसा था, जो काफी खूबसूरत लग रही थी, और वो कच्चा मांस चबा रही थी, जिसे इसलिए सच मान लिया गया क्योंकि उस जलपरी को काफी सारे लोगों ने एक साथ देखा था, और फिर एक वीक बाद वो आखिरी बार लोगों को दिखाई दी। स्केरी मरमेड। जिम्बाब्वे में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लोगों के बीच जब दहशत फैल गई, जब वहां काम करने वाले लोगों ने दावा किया कि उन पर किसी जलपरी ने हमला किया था, जिसके बाद बाहर के देश से कुछ अंग्रेज को बचा हुआ काम खत्म करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो लोग भी काम को छोड़कर भाग गए। वैसे मैं आपको बता दूं, जिम्बाब्वे कल्चर में जलपरी को मांबा मंटू के नाम से जाना जाता है, जिस पर वहां के लोग विश्वास भी करते हैं। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में 1 दिन लग गया, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखें, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।